अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्लान तैयार कर लिया है। 25 नवंबर को अयोध्या में धर्मसभा होनी है। धर्मसभा की सफलता के लिए संघ ने कमान संभाली है। करीब 1 लाख लोगों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। संघ के इसी मिशन अयोध्या पर हमारी बड़ी बहस होनी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि राम मंदिर के लिए संघ का प्लान दरअसल है क्या। ग्राफिक्स के जरिए पूरे प्लान को समझिए, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो 5 अक्टूबर को दिल्ली की मीटिंग में आंदोलन का खाका तय किया गया। मंदिर निर्माण के लिए 4 चरणों में आंदोलन चलाया गया जाएगा। तय किया गया है कि विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले आंदोलन चले। पहले चरण में 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले आंदोलन चले। पहले चरण में 25 नवंबर को देशभर में सभाएं होंगी। तो किले में तब्दील राम नगरी और क्या कुछ तैयारियां हैं। नागपुर और बेंगलुरु में बड़ी सभाएं होंगी। देशभर में 150 छोटी सभाएं होंगी। दूसरे चरण में सांसदों के साथ संपर्क अभियान चलेगा और मंदिर के लिए मदद मांगी जाएगी। तीसरे चरण में 9 दिसंबर को शुरुआत होगी दिल्ली में एक बड़ी सभा के साथ। रामलीला मैदान में होगी यह बड़ी सभा और इस रैली में 5 लाख लोगों को जुटाने का टारगेट रखा गया है। चौथे चरण में 18 दिसंबर से देशभर में यज्ञ और हवन होंगे। संतों को जनमत तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। जनमत के बाद सरकार पर कानून के लिए दबाव बनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1 जनवरी को प्रयाग में धर्म संसद होगा। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपने प्लान समझा। संघ का राम मंदिर प्लान क्या है, एक बड़ी तैयारी है अलग अलग चरणों में। पहला चरण 25 नवंबर को देशभर में सभाएं होंगी, इसके साथ ही ये चरण आगे बढ़ेगा। अयोध्या, नागपुर और बेंगलुरु में बड़ी सभाएं होंगी। देशभर में 150 छोटी बड़ी सभाओं का टारगेट रखा गया है। दूसरे चरण की शुरुआत होगी सांसदों के साथ संपर्क अभियान के साथ। तीसरे चरण की शुरुआत होगी 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी सभा होनी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों को जुटाने का टारगेट रखा गया है और इसके बाद चौथा चरण आएगा 18 दिसंबर से। देशभर में यज्ञ और हवन का दौर शुरू होगा। संतों को जनमत तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है और पूरा मकसद इस प्लान का यह है कि सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव बने। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रयाग में धर्म संसद है और इस धर्म संसद के जरिए एक बड़ा संदेश सरकार को दिया जाएगा। अयोध्या में आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल ने जनसभा का आयोजन किया है। जहां जनसभा होगी वहां से हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की होने वाली धर्म सभा को लेकर तैयारियां पूरी हो रही है। तमाम तरीके की तैयारी हो रही है। जो मैं इस वक्त बड़ा भक्तमाल की बगिया में हूं और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से जुटे हुए हैं। ये पूरा जो विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता हैं, अगर मैं दिखाऊं, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय जी हैं, साथ में राजेंद्र सिंह पंकज हैं। इन लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से अयोध्या में डेरा जमा रखा है और ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तैयारियां देख सकते हैं, ये जो बैरिकेडिंग लगाने की तैयारी चल रही है, बल्लियां गाड़ी जा रही है, गड्ढे इसको बनाए जा रहे हैं जिससे इन बैरिकेडिंग्स को यहाँ लगाया जा सके। तो ऐसे में ये सारे कारीगर जुटे हुए हैं और इस बड़े विशाल ग्राउंड में ये पूरी तैयारी चल रही है जिससे यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरीके की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। मैं दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से इस बगिया को पहले समतल कराया गया, उसके बाद अब इसमें युद्ध स्तर की तैयारी के साथ इसको बैरिकेडिंग लगाया गया है। इस बड़े विशाल ग्राउंड में आप देखिए कि पंडाल किनारे लगा है और ये बैरिकेडिंग की गई है जिससे जो लोग यहां पर आए उन्हें नियंत्रित किया जा सके और किसी तरीके की कोई दुश्वारी ना हो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे एक भीड़ बुलाई गई है। इस जनसभा के लिए दावा किया गया था कि 1 लाख लोग, लेकिन उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ये संख्या 1 लाख से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देश भर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के और साथ ही साथ आरएसएस के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे में तैयारियां भी बेहद खास है, किसी तरीके की कोई कोर कसर विश्व हिंदू परिषद नहीं छोड़ना चाह रहा है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अबुल की यह रिपोर्ट आप अयोध्या से देख रहे थे जहां पर तैयारी है इस बड़े प्लान की शुरुआत की। 25 तारीख से शुरुआत होगी। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ शिवानी दुर्गा जी हैं, धर्मगुरु। आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हैं, धर्मगुरु। शमशुल हसन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। और शुएब इकबाल हैं, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं।
इस बीच हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यतेंद्र आपका रुख करते हैं, एक बड़ा प्लान संघ का और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि संघ फ्रंट फुट पर है इस पूरे प्लान को लेकर। आमतौर पर इससे पहले वीएचपी के हाथों में कमान होती थी, इस बार संघ ने खुद अपने हाथों में कमान ली है और सीधे तौर पर संदेश यह है कि माहौल ऐसा बना दिया जाए कि सरकार को यह लग जाए कि मौजूदा परिस्थितियों में कानून लाना ही एकमात्र विकल्प बचा। देखिए बिल्कुल, एक बड़ा प्लान विश्व हिंदू परिषद और संघ ने मिलकर तैयार किया है। 5 अक्टूबर को उच्चाधिकार समिति की बैठक विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यालय में हुई थी, जिसमें पूरा एक प्लान तैयार किया गया कि किस तरह से एक व्यापक जनमत पूरे देश भर में तैयार किया जाए और मोदी सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैया जी जोशी सामने आकर कह चुके हैं कि सरकार को भव्य राम मंदिर का निर्माण का जो मार्ग है वो प्रशस्त करना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो, वो कानून लेकर आए, अध्यादेश लेकर आए या जो जमीन का जो मालिकाना हक की बात कही जा रही है उसको लेकर वो करें। तो सबसे पहले 25 नवंबर को 3 बड़ी रैलियां की गई हैं। सबसे बड़ी बात राकेश बता दूं, पूरे देश भर के लोग एक जगह एकजुट नहीं होंगे, जो पहले की रणनीति होती थी कि एक जगह एक बड़ी सभा की जाती थी। इस बार विश्व हिंदू परिषद संघ ने रणनीति बदली है और जगह जगहों पर लाखों की संख्या इकट्ठी करने का टारगेट रखा है। अयोध्या में जैसे 25 नवंबर को बड़ी जनसभा होगी, वहां पर जो आसपास के 22 जिले हैं अयोध्या के आसपास के, केवल उन 22 जिलों के लोग लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। ऐसे ही बेंगलोर में 8 जिले, जो बेंगलोर के आसपास के 8 जिले हैं वहां पर लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। ऐसे नागपुर में 6 जिलों के बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इसके अलावा 150 जनसभाएं उसी दिन होंगी, वो 10 से 15 हजार की होंगी और अपने अपने क्षेत्र में होंगी। जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में सांसदों को, जितने भी सांसद हैं देश भर के, उनके सांसदों को वहां पर ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे समर्थन मांगा जाएगा। हर संसदीय क्षेत्र में सभाएं होंगी। ऐसे ही तीसरा भी चरण पहले से तय कर रखा है, 9 दिसंबर दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। उसमें दिल्ली, हरियाणा के 4 जिले और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को शामिल किया गया है और ये 5 लाख का टारगेट इस दिल्ली चलो के नारे के साथ रामलीला मैदान में पहुंचने का दिया गया है। यतेंद्र, एक सवाल और आपसे, फिर उसके बाद स्टूडियो के मेहमानों का रुख करेंगे। सरकार इस पूरे माहौल को या फिर जो तैयारी है, सरकार के अंदर बैठे लोग इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर तैयारी है। ना सिर्फ पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या में लोग जुट रहे हैं, बल्कि जैसा आपने जिक्र किया कि देश में अलग अलग जगहों पर माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर एक ये संदेश सरकार तक पहुंचे कि कानून बना दीजिए, अब और देर नहीं करनी चाहिए। सरकार के अंदर क्या तैयारी है, सरकार के लोग, सरकार के अंदर बैठे लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी है, क्योंकि सरकार में ज्यादातर क्या हर कोई जो सरकार का मैं अंदर शामिल है, सरकार के अंदर, वो भी चाहते हैं कि सरकार बने। एक अनौपचारिक बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद कहा था कि वो भी चाहते हैं जब विश्व हिंदू परिषद साधु संत उनसे एक सांसद होने के नाते समर्थन मांगने आएंगे तो वो उनको समर्थन देंगे, लेकिन सरकार को फैसला लेना है कि वो अध्यादेश के जरिए लाती है, अदालत के निर्णय का इंतजार करती है, या फिर कोर्ट के निर्णय का, या फिर जो अध्यादेश कानून बनाने की बात है उसको लेकर आती है। ये एक जब पूरा जनमत तैयार हो जाएगा संघ और जो बीएचपी चाहती है, उस जनमत के प्रभाव का सरकार आकलन करेगी और उस आकलन के आधार पर सरकार फैसला लेगी। मैं एक बात और बता देता हूं राकेश आपको जी, केवल हिंदू समाज नहीं, जैन, सिख और बौद्ध भी आगे आए, इसको लेकर भी एक चौथा चरण विश्व हिंदू परिषद और संघ ने अपनी कोर ग्रुप की बैठक में लिया है कि उसको भी आगे लाएंगे, जो 18 दिसंबर गीता जयंती का दिन है और 27 दिसंबर तक, यानी कि 18 से 27 तक एक बृहद अभियान चलाया जाएगा जिसमें अनुष्ठान और हवन किए जाएंगे और इन सभी धर्मों के लोगों से अपील की जाएगी वो अपने अपने धर्म स्थलों पर, चाहे वो गुरुद्वारा हो, जैन मंदिर हो या मंदिर हो हिंदुओं के, उन सभी जगह वो अनुष्ठान और हवन करें और भगवान राम के मंदिर के लिए प्रार्थना करें अपने अपने इष्ट देवों से, यानी कि सबको साथ लेने की संकल्पना और परिकल्पना के साथ एक पूरी एक योजना तैयार की गई है। पूरी तरह से सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जिससे मोदी सरकार जनमत को ध्यान में रखते हुए पूरा इसका आकलन करे, पूरी स्थिति का, कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस अभियान के साथ हैं और कोई भी मार्ग हो, चाहे वो कैसा भी मार्ग हो, चाहे कानून का हो, चाहे अध्यादेश का हो या जमीन अधिग्रहण का मामला हो, उस पर मंदिर बनाए, इस तरह का प्रेशर संघ परिवार के द्वारा बनाया जाएगा। और एक प्लान बी और तैयार है, जगह इसके प्रभाव में सरकार नहीं आती, जो आप सरकार की बात बार-बार पूछ रहे हैं, तो जो धर्म संसद 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयाग में होगी उसमें आगे की बड़ी रणनीति और बड़ा, इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति पर काम किया जाएगा। जी यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो बहुत बड़े तरीके से, व्यापक तरीके से इस मिशन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है संघ और आम जनता को भी साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय से बात की हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने, वो आपको सुनवाते हैं। विश्व हिंदू परिषद 25 तारीख को अयोध्या में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मंच बनाया जा रहा है जिसमें देश भर से आए हुए साधु संत बैठेंगे।
आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा मैदान को चुना गया है रैली के लिए, जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हो सके। अभी हमने ये जानने की कोशिश की कि कितने लोगों का टारगेट है, तो इस पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो मंच शेयर करेंगे और किन लोगों को मंच पे जगह दी जाएगी। लेकिन यहां के जरिए ये संदेश देना है देशभर को कि आखिर अगली पीढ़ी राम के आंदोलन से किस तरीके से जुड़े, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं चंपत राय जी के पास और उनसे बात करते हैं कि किस तरह की कैसे तैयारी चल रही है। राय साहब, हेलो, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। 25 तारीख की क्या क्या तैयारियां हो गई और क्या बाकी है अभी? 12 नवंबर को इस स्थान पर भूमि पूजन हो गया, 10 नवंबर को इस स्थान को देखा था, यहाँ धान की खेती हो रही थी बड़े भक्तमाल जी की, धान कट चुका था, हमें लगता था कैसे खेत को ठीक करेंगे, हो गया, शेष आप देख ही रहे हैं कि मंच बन रहा है, साउंड सिस्टम खड़ा हो रहा है। मुझे तो लगता है कि मैदान की दो ही आवश्यकता है, बोलने वाले के लिए मंच बन जाए और आवाज सुनने वाले के लिए हो जाए, बाकी सब तो डेकोरेशन है। डेकोरेशन हो या ना हो, डेकोरेशन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। नहीं राय साहब, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भाई कौन लोग बोलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुनने वाले तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन कौन बोलने वाले हैं ये तो पहले लोगों को पता चले। यहाँ की जनता को मालूम है, साधु संत बोलेंगे, चित्रकूट से जगत गुरु रामानंद आचार्य रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, हरिद्वार से जगत गुरु रामानंद आचार्य हंसदेवाचार्य जी आ रहे हैं, ऋषिकेश से रामेश्वरदास श्री वैष्णव आ रहे हैं, नैमिषारण्य के जगदानंद जी महामंडलेश्वर आ रहे हैं, उड़ीसा के भी एक महामंडलेश्वर आ रहे हैं, दो तीन साध्वियां आ रही हैं, अयोध्या का इतना संत समाज है वो यहाँ रहने वाला है। जिन जिन साधुओं के समाचार आ रहे वो मैंने नाम बता दिए आपको। राय साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि मंच पे किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जगह नहीं मिलेगी? आपका ये वाक्य प्रयोग गलत है। अच्छा, जगह नहीं मिलेगी ये अपमानजनक शब्द है। अच्छा, मतलब नेता भी अगर रहे तो मंच पे उसको भी जगह दी जाएगी? ये फालतू की बातें हैं, योर क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग। साधु संतों की सभा है, साधु संत आएंगे, साधु संत बोलेंगे। नहीं, अच्छी बात आपने, नहीं आपने, नहीं नहीं आपने एक अच्छी बात कही कि भाई हमारा सवाल गलत है, लेकिन आप ये कहेंगे ना कि भाई नेताओं का सहयोग ले रहे हैं, सरकार का सहयोग ले रहे हैं, प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? ये आज नेता बने हैं सब, जिन्हें आप देख रहे हैं नेता आज आपकी निगाहों में है। हमारे रिश्ते इनसे तब से हैं जब ये नेता नहीं, कुछ भी नहीं थे और केवल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। आप उन्हें आज पहली बार जीवन में देख रहे हैं नेता के रूप में, तो उन्हें आप नेता समझ में आ रहे हैं, अब मुझे वो अपने कार्यकर्ता समझ में आ रहे हैं। दृष्टि का फर्क है, हमारे आपके बीच में उम्र का भी फर्क है ना, इसलिए इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो चंपत राय से ये पूरी बातचीत आप सुन रहे थे अरविंद चतुर्वेदी की। अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और साथ ही अयोध्या में क्या कुछ माहौल है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा दें। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे एक शुरुआत कर लेता हूं, जो मौजूदा माहौल है, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, संतों के जरिए एक ऐसा माहौल देश में बनाने की कोशिश हो रही है कि सरकार को लगे कि अब कानून बनाना एकमात्र विकल्प है। ये मामला चुकी अदालत में है, तो इस पूरे जो आंदोलन चलाया जा रहा है इसकी जरूरत थी क्या? अब विलंब कही कारण स्वामी कृपा करो गुरु अंतर्यामी। अब विलंब करने का स्थिति नहीं है और जरूरत है, क्योंकि पिछले 150 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय किसी तरह का कोई डिसीजन और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। और हमारे अयोध्या में 2010 में ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसके बाद अब जनवरी के बाद सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट का मैटर जो पिछले 150 वर्षों से चलते आ रहा है और अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। 29 अक्टूबर को जो 3 खंडपीठ बैठी थी उसमें उन लोगों ने
दो मिनट के अंदर जनवरी का डेट दे दिया, तो इस तरह अगर देखा जाए तो आने वाले 100 साल देश अदालतों से नहीं चलेगा। राम मंदिर निर्माण कोर्ट के आदेश से नहीं होगा, देश अदालतों से नहीं चलेगा। इसमें जरूरत है कि जो साधु संत समाज है वह साधु संत समाज बैठेगा, और जो सो कॉल्ड विध्वंसक की हुई जो बाबरी मस्जिद का लोग थे, पक्षकार थे, वो लोग के साथ बैठ करके निर्णय निकाला जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर निर्माण का बातचीत करने का माहौल है। ये बातचीत करने का माहौल आप बना रहे हैं, अपनी सरकार को संदेश दे रहे हैं। स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट का हम कहीं ना कहीं निरादर नहीं करेंगे अगर इस तरह से प्रेशर बिल्ड करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले लंबे समय से डेट पर डेट देते जा रही है, और जनवरी के बाद भी क्या आपको लगता है कि जनवरी में सुनवाई हो जाएगी? फिर वह जो है जुलाई में दे दी जाएगी, फिर मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे? फिर मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करते हैं, लेकिन हम सरकार के पर स्वामी जी ये किस तरह का सम्मान है? इस तरह का फिर हर धर्म के लोग इस तरह से खुद मंदिर खुद नहीं मिल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्ट्रेचर है हमारे इस संविधान में या हमारी डेमोक्रेसी में, कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करने वाली बात है ये। कल को और धर्म भी उठेंगे और वो भी कहेंगे कि हमें हमारे हिसाब से चलना है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। धर्म तो सभी कोर्टों से ऊपर है ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और धर्म के लोग, धर्माधीश लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है समय पर आगे बढ़ाते जा रहा है, अब विलंब करने का नहीं है। अब जो है शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर निर्माण कार्य हो, और इसी के साथ भगवान राम जो है जो टेंट में बैठे हुए हैं वो मंदिर में विराजित हो, ऐसी सारे साधु संतों की आकांक्षा है। और भाजपा सरकार, मुझे विश्वास है कि शीतकालीन सत्र में नया कानून पारित करके मंदिर निर्माण का कार्य को शुभारंभ करेगी। जी चलिए, हमारे साथ आगे रामविलास वेदांती जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि शिवानी जी आपने बीच में इंटरप्ट किया, अपनी बात आपने रखी, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। कल हमारा खास कार्यक्रम जयपुर में चल रहा था, मंच वहां पर प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भव्य राम मंदिर बनेगा। सरकार की एक अलग लाइन है, अदालत में मामला चल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि साधु संत मिलकर इस सुप्रीम कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, एक अलग आप फैसला देंगे, उसके बाद राम मंदिर बनेगा? ना, ये नहीं कह रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। दीजिए फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि बाहर जाकर के जो है आपस में बात कर लो, बातचीत हो रही है, कितनी बात करेंगे? अयोध्या में जो माहौल है या फिर जो 25 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो तैयारी है, क्या ये बातचीत की तैयारी है? सिर्फ ये दो चीज, दो डेट्स की बात नहीं है ये। इतने समय से जो हिंदू अपने भगवान राम को महल में बिठाना चाहता है, जो टेंट में है, ये भावना की बात है, आस्था की बात है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, जो भगवान राम में अपना विश्वास, जिनकी आस्था है, उनके साथ ये खेल हो रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है, आप बाहर बात कर लो। बात कितनी बात की जाएगी? बार बार जब भी इस चीज को लेकर के बात होती है, हर बार कंफ्यूजन पैदा होता है, कोई कॉन्क्रीट। आप कह रहे हैं, अभी आप कह रही है कि बातचीत करेंगे, फिर आप कह रही है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये कह रही हूं, मैं शुरू से ये कह रही हूं कि कितनी बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जब भी ये राम मंदिर का फैसला होता है तो इसी पर क्यों डेट्स हमें दी जाती हैं? और कितने फैसले जो हैं उन्होंने बहुत जल्दी किए हैं, अभी पीछे अगर देखा जाए, आप देखें सबरीमाला का केस, ये बहुत बड़ा एक इशू है और ये हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। इतने लोग जुड़े हुए हैं, आप बताइए 1 लाख के ऊपर लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं वहां पे? तो बातचीत करने, छोटी मोटी बात नहीं, बातचीत करने पहुंच रहे हैं। अगर बातचीत करके ये सुलझ नहीं, ये तो मैंने आपसे पूछा ना, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 1 लाख लोग अयोध्या में बातचीत करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, उनका, साधु संतों का सिर्फ एक ही मंशा है कि वहां मंदिर बनना चाहिए। नहीं तो 1 लाख लोगों के जुटने की या फिर इतना माहौल किले में, भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था, भगवान राम की सेना है ना, सेना पहुंच रही है वहां पर, भगवान के आने से पहले सेना पहुंच रही है, उनकी भक्त पहुंचते हैं, भक्त मंडली पहुंच रही है उनके स्वागत। चलिए आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती, उन्हीं से पूछते हैं कि वीएचपी को इतनी बड़ी धर्मसभा अयोध्या में करने की जरूरत क्यों पड़ी? विश्व हिंदू परिषद देश की सरकार को ये बताना चाहती है कि हमारी ताकत सन 1992 में 6 दिसंबर को जो थी, उस ताकत में बढ़ोतरी हुई, उस ताकत में कमी नहीं आई है, और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने एक साथ 4 जगहों पर धर्मसभा का आयोजन किया है, अयोध्या, नागपुर, बंगलोर और टाटा नगर जमशेदपुर में। हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि मुद्दा जो सन 1984 में था,
जो सन 1992 में था वही आज 2018 में है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देकर राठी स्वयंसेवक संघ ने जो कहा है, माननीय सरसंघ चालक ने जो कहा है कि अध्यादेश लाएं या विधेयक लाएं या बिल लाएं या आपसी समझौते के आधार पर आपसी समझौता हमारी दृष्टिकोण से सबसे अच्छा सिद्ध होगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने इन आयोजनों के माध्यम से, धर्म सभाओं के माध्यम से देश के संतों को एकत्रित करने का काम किया है और देश के राम भक्त भी यही चाहते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है। चलिए अयोध्या के इस मसले पर हम बात करेंगे लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले उन मेहमानों से एक बार फिर से आपका परिचय कराते हैं। शिवानी दुर्गा जी हैं, आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, शमशुल हसन साहब हैं, मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, शोएब इकबाल जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शमशुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं अपने इस सेगमेंट में। जो तैयारी है, 25 तारीख को करीब 1,00,000 लोग जुट रहे हैं, संत जुट रहे हैं। तीसरे चरण में 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा है, 5,00,000 लोग जुट रहे हैं। संतों को जनमत तैयार करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, मैं गंगा जमनी तहजीब का जो है वो उसके आगे जो है वो अपने नतमस्तक करने वालों में से हूँ। मेरी जिंदगी जो है गंगा जी के चरणों में गुजरी है काशी में, और मेरे बाबू जी जो है वो फैजाबाद के रहे हैं और फैजाबाद को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये सब चीजें जो माहौल पैदा कर रहे हैं, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक सियासत होती है, एक मजहब होता है। अगर मजहब में वाकई रूहानियत होनी चाहिए और हर उस गलत काम को मजहब के पास रोकने की मजहब के पास ताकत। तो बातचीत हो जाती है शमशुल साहब, गंगा जमनी तहजीब की आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत ये भी करना चाहते हैं, बातचीत आप भी करना चाहते हैं, तो बातचीत क्यों नहीं हो जाती है? हाँ, बातचीत रास्ता निकल जाता है। मसला ये है कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं कोई लकुना है, कोई ना कोई कमी है दोनों तरफ तरफैन में। और अब जाहिर है कि जब आप भी पीछे नहीं हटने को तैयार हैं, हम भी पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बातचीत कर ली जाए, आप लोग बातचीत के लिए नहीं तैयार है कि अदालत का फैसला आ जाए। समझिए, मैं जो कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि दो पार्टियां हैं, दो पार्टियों में कोई भी अगर पीछे हटने को तैयार नहीं है तो उसका फैसला दो ही करेगी। एक या तो हमारे मुल्क में, अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में या तो संसद करेगी और या जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो सुप्रीम है। और अगर इन दोनों के बाद है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारा सबसे ज्यादा जो है वो सुप्रीम है। तो चलिए शमशुल साहब, मैं आपके पास आता हूं, शोएब इकबाल जी भी हमारे साथ हैं, इसके बाद हम आचार्य का भी रुख करेंगे, राजीव जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां क्या है उस पर नजर डालते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ शमशुल साहब है, उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं, देश में शांति होनी चाहिए, क्यों नहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बातचीत के जरिए रास्ता निकाल लिया जाए और संत भी कह रहे हैं कि बातचीत हो जाए तो बातचीत हो जाती, या तो आप लोग मान जाते इस बात के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, भव्य राम मंदिर बन जाए, क्योंकि राम जन्मभूमि अयोध्या के अलावा कहीं हो नहीं सकती, आपको मस्जिद सरजू उस्ताद दी जा रही थी, या तो आप इस फॉर्मूले पर मान जाते। इससे पहले पिछले तकरीबन जहां तक मुझे याद है 25-30 साल से ये अपना बातचीत का सिलसिला चला है, लेकिन आपको पता है कि हर धर्म के अंदर अलग अलग अपने मिजाज के और अपने दिमाग के लोग होते हैं और हर मजहब के अंदर कई फिरके भी होते हैं, तो उसमें ये बात जो है कि कई मरतबा जो सियासी तौर पर भी और साधु संतों और मौलवियों के दरमियान भी और मुस्लिम रहनुमाओं के दरमियान भी बैठ के ये बातचीत हुई है, लेकिन इसका मसला हल नहीं हो पाया है। मुझे अब ये लगता है कि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये बड़ा फैसला दे पाएगी और उसी के फैसलों को सभी नहीं, तो संतों का कहना है, शोएब साहब, संतों का ये कहना है कि बहुत लंबा इंतजार हो गया, बहुत लंबा इंतजार हो गया है, लिहाजा या तो बातचीत करके मसला निकल जाए, लेकिन जो फिलहाल तैयारी है कि सरकार पर इस बात के लिए दबाव बने कि वो कानून लेकर आए, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, वो कानून लेकर आए तो क्योंकि वो तो मेजोरिटी में लेकर आ सकते हैं, शायद वो राज्यसभा में उनको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं, जबरदस्ती का वो नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी संस्था है हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट,
और ये ऐसा मैटर है कि इसको अदालत के जरिए अब तो आप सबको मानना ही पड़ेगा जी। तो जब तक आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे उस बात को आप अपना वो नहीं उसको अपना अहमियत नहीं देंगे पार्लियामेंट या उसके जरिए से अपना जो अध्यादेश लाने का जहां तक ताल्लुक है वो मेरी समझ से बाहर है क्योंकि वो एक चलिए आपके पास मैं आता हूँ आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आचार्य जी वाकई इतनी जो कवायद चल रही इसकी जरूरत थी क्या? हर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, सरकार का भी लगातार ये कहना है कि फैसले का इंतजार कर रहे हैं, मार्ग वो प्रशस्त करेंगे भव्य राम मंदिर के लिए। आप लोग इतना बड़ा माहौल वाकई ये चाहते हैं कि अध्यादेशी आए कानूनी आए अदालत के फैसले को आप नहीं मानने वाले हैं या फिर उसका इंतजार नहीं करने वाले हैं? पहले तो देखिए देश के दर्शकों को यह समझना पड़ेगा अभी एक आज ही के एक डिबेट में एक बड़े नेशनल चैनल पर यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि हम संविधान का पालन करेंगे और संविधान के निर्णय का पालन करेंगे। देखिए यहां पर किसी बीजेपी के और सरकार ने कहा सर आप लोग जो इतना माहौल बनाया जा रहा है वहां के लोग डरे हुए हैं। आप कुछ जगहों से रिपोर्ट लोगों ने महीने भर का राशन अपने घर में इकट्ठा कर लिया है। भाई देखिए जब आप प्रदेश का चीफ संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई वो पार्टी का प्रवक्ता नहीं है वो आपके सामने कह रहा है कि हमें संविधान का कानून का पालन करना है क्योंकि उनको उसी के लिए ये पद मिला है। अब बात आती है तो फिर ये हमारे पास 25 तारीख को इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का औचित्य क्या? ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारा बीएचपी आरएसएस और बीजेपी जो रूलिंग पार्टी वहां पर है उसमें क्यों आ रहा है? तो इससे तो हमारे सारे देश के भक्त जो है कंफ्यूज हैं क्या करें क्या हो रहा है जी। चलिए चलिए शिवानी जी अरविंद चतुर्वेदी हमारे ब्यूरो चीफ है अयोध्या में सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। अरविंद जिस तरीके से जो माहौल है अयोध्या में सारे होटल्स के रूम बुक हो गए हैं जो आसपास के लोग हैं जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने महीने भर का राशन इकट्ठा कर लिया है कि कल को स्थिति क्या होगी आप इस बात को लेकर वो सशंकित है। कुल मिला जुलाकर 18 दिसंबर तक लगातार दिल्ली अयोध्या से लेकर दिल्ली तक माहौल इस बात के लिए बनाया जा रहा है कि सरकार पर दबाव बने कि आप कानून लेकर आइए इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं आपके पास। ऐसा माहौल आपने अयोध्या में पहले कभी देखा है हाल फिलहाल में? राकेश देखिए मैं इसके पीछे की पूरी आपको पहले राजनीति समझाने की कोशिश करता हूं। अभी पंडित जी ने कहा कि केशवप्रसाद मौर्य ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मंदिर बने वो कोर्ट के आदेश से बने। अभी हमने चंपत राय से बात की जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो नेता इस काम में लगे हुए हैं वो पहले विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। आप आज उनको पदों पे देख रहे हैं। केशवप्रसाद मौर्य भी पहले विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे। ये इन पंडित जी को जो महाराज जी बैठे हैं उनको पता होना चाहिए, शायद उनको पता नहीं है तो आप उनको बता दीजिए जी। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहता हूं राकेश कि यहां पर जो माहौल है फिलहाल उनकी कोशिश ये है कि यहां के जरिए दबाव बनाया जाए क्योंकि ये जरूर कह रहे हैं कि नहीं मंदिर बने लेकिन जब दूसरी तरफ अगर आप देखें कहा जा रहा है कि भाई हम सबको साथ लेके काम करेंगे। यही शिवसेना के उद्धव ठाकरे आ रहे हैं उनको मंच पर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ये बात चंपत राय ने स्पष्ट रूप से कह दिया यानी विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट कर दिया कि उद्धव ठाकरे के लिए मंच पे कोई जगह नहीं है। यानी फिर तो अरविंद ये अपनी अपनी सियासत साधने की कोशिश हो रही है इस चक्रव्यूह के जरिए? निश्चित रूप से राकेश मैं यही तो बताना चाहता हूं कि सियासत कैसे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार संघ ये सभी के सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर बने इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसका श्रेय भी उन्हीं को मिले वो श्रेय किसी और को नहीं देना चाहते ये स्पष्ट है। और जो चार अलग अलग बड़ी रैलियां की जा रही है ठीक कहा आपने। अब अयोध्या मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राम मंदिर मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक याचिका भी दायर की गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करेगी जबकि सुनवाई अब अगली जनवरी में होने वाली है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का है। हम इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि कोर्ट पे मेरा कोई दबाव नहीं है। कोर्ट जब भी फैसला करेगा सबूतों के आधार पर करेगा, पेपर के माध्यम से फैसला होना है और कोर्ट जो भी करेगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई दबाव नहीं है, कोर्ट हमारे घर का नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि कोर्ट इसका फैसला करे, जल्द करे, हम यही चाहते हैं, यही हमारा मकसद है जी। पहले भी आप कहे कि अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि सरकार अगर कानून लेकर के आती है राम मंदिर मुद्दे पर तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो चलिए इस पर भी बातचीत करेंगे आचार्य जी, लेकिन एक सवाल और है मिशा, एक सवाल और इकबाल अंसारी से कि राम मंदिर पर चूंकि जनवरी में सुनवाई लिस्टेड है ऐसे में जल्द सुनवाई से आप लोगों को हासिल क्या होगा, आप लोग चाहते क्या है? देखिए तारीखें बहुत लंबी लंबी पड़ती रही, ये तो बहुत जल्दी तारीख पड़ गई है। हमें कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट जब तक पेपर
मुकम्मल नहीं देख लेगा, फैसला नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई कोर्ट नहीं है, क्योंकि फैसला जो है इस तरीके से होना है पूरी देश और दुनिया को देखते हुए, जल्दबाजी में कोई फैसला अच्छा नहीं होता, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रही है। हम इतना कह सकते हैं कोर्ट फैसला करे, जल्द करे जी। और चलिए फिर से एक बार मेहमानों का रुख करते हैं, इकबाल अंसारी का बातचीत हमने सुनी। आचार्य जी, आप कुछ कह रहे थे इकबाल अंसारी से? अभी इकबाल अंसारी दो दिन पहले इनका बयान आया था, इन्होंने कहा था कि अगर सरकार कोई नया कानून लेकर के आती है श्री राम मंदिर पर तो हमें इससे किसी तरह कोई एतराज नहीं है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और फिर अभी ये जो दोहरी बातें कर रहे हैं, इनके चाल चरित्र समझ में नहीं आता, कभी बोलते कुछ है कभी कहते कुछ है। तो अभी इन्होंने कुछ कहा कि अभी ये कोर्ट के ऊपर आधारित है, और दो दिन पहले इन्होंने अलग अलग चैनलों में यह बयान दिया था कि सरकार नया कानून लेकर के आए। इसी जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शमसुल हसन हमारे साथ हैं, शोएब इकबाल हमारे साथ हैं। शमसुल साहब, मान लीजिए कि जो आस्था का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, जिसका जिक्र अरविंद चतुर्वेदी हमारे ब्यूरो चीफ कर रहे थे, और इसके जरिए ठीक है सियासत अपनी जगह चल रही है, लेकिन सरकार पर दबाव तो बनेगा, ऐसे में अगर सरकार कानून लेकर आती है, अध्यादेश लेकर आती है, आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? देखिए, मैं क्लियर, मैं एक टीचर हूं, मैं लोगों को समझाया करता हूं। वो ये कि दो नजरिए हैं आपके यहां, एक तो ये है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नाही। आप कहते हैं राम हमारे दिल में है, दूसरी तरफ कहते हैं राम हमें फला जगह है, इस जगह है, इस जगह राम हर कण कण में है, हर रग रग में है भाई, लेकिन जो समय वस्तु स्थान अयोध्या मंदिर बनना चाहिए। मुझे कहने दीजिए, अपनी बात पूरी, मैं बात सुनिए, मुझे कहने दीजिए। आप इतनी जल्दी घबरा जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ या आपके जो है गर्दन। अच्छा ये बताइए शमशेर साहब, अध्यादेश आता है, कानून आता है, हमारे जैसे टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आज के दौर में समझाना बच्चों को। मैं सबसे ज्यादा, आपको परेशानी नहीं है, सबसे ज्यादा परेशानी हमारे जैसे लोगों को है कि जो ये हिंदुस्तान को सही सलामत देखना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे देखना चाहते हैं, एक तरफ जो है वो एक समाज आता है, दूसरी तरफ दूसरा समाज आता है, तीसरी समाज आता है, कोई धर्म के नाम पे आगे बढ़ता है, कोई अपनी जो है किसानों के नाम पे आगे बढ़ता है, हेड ऑफ दी जो फैमिली है उसको डिसीजन लेना पड़ता है। हमारा हेड ऑफ दी फैमिली जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हेड ऑफ दी फैमिली पूरे देश का मालिक जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, ये सब इनको मिलजुल करके काम करना चाहिए। ये हमें लगता है कि ये लोग भी सही काम जो है वो जो जिस स्पिरिट से करना चाहिए उस स्पिरिट से नहीं कर रहे हैं। एक सवाल अभी भी उसका जवाब नहीं आया कि अगर अध्यादेश आता है, कानून आता है, आप लोगों का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड क्या है? अध्यादेश लेके आइए। जो मंदिर है, आप कहते हैं कि हमारा जो है वो संविधान का मंदिर है, तो मंदिर से जो है मंदिर का फैसला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक मंदिर का फैसला एक मंदिर करे। आपका मंदिर राम मंदिर का बनाने का मसला है तो हमारे यहाँ संविधान का जो मंदिर है पार्लियामेंट है वो करे। नहीं नहीं, अगर सरकार अध्यादेश या कानून लेकर आती है, अगर इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सरकार अध्यादेश या कानून लेकर आती है, आप लोग का स्टैंड क्या होगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कहती है हम उसको सरे अध्यादेश की बात हो रही है, सुप्रीम अध्यादेश से पहले हमें कहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, सुप्रीम कोर्ट अगर सही फैसला करे हम उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। शोएब इकबाल साहब, करना चाहिए। शोएब इकबाल साहब, सरकार अध्यादेश या कानून लेकर आती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, आप लोग का स्टैंड क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट से पहले यदि फिर वो अध्यादेश लेके आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फिर होने का मकसद ही क्या रहा जी? और इतनी जल्दीबाजी क्यों, जब वहां पे मंदिर बना हुआ है 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद अपना तोड़ी गई थी तो 7 और 8 तारीख तक कंटिन्यू हुआ मंदिर बना थे और बना हुआ था। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जहां तक 150 साल से वहां पे जो है अपना जो भगवान राम की जो है वहां पर उनकी मूर्ति रखी हुई थी, इन्होंने कोई मस्जिद को थोड़ी थोड़ा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने, इन्होंने तो सिर्फ मंदिर को ही तोड़ दिया, वहां कोई नमाज थोड़ी हो रही थी या कोई वहां पे कुछ और चीज थोड़ी थी, वहां तो खुद ही पूजा अर्चना वहां हो रही थी। आप खुद ही बोल रहे हैं कि वो मंदिर थी, ये कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हम उसी जगह फिर मंदिर बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम पुराने ढांचे को टूटा हुआ है उसी जगह हम नए तस्वीरें से बनाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा हूँ आप, वही तो कह रहा हूँ, ये सब ये वो सुन तो लीजिए, अब वो मंदिर बनाएंगे, अभी तो वहां पर वही हुए, अब सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है।
अब उसको मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से तो पार्लियामेंट ही कानून बना करके देती है, तब भी तो आप तीन तलाक के सुप्रीम कोर्ट से करवाती है संसद में। मौलाना मुफ्ती नदीम साहब पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं। मौलाना मुफ्ती शोएब साहब थोड़ा सा नदीम साहब के पास चल लेते हैं, काफी देर से बात जुड़े हुए हैं। इलेक्शन तक है नदीमुद्दीन साहब, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं। संघ ये कह रहे हैं कि बहुत वक्त हो गया, आप इंतजार कर नहीं सकते हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर नहीं सकते हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है, सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश है, ऐसा माना जा रहा है चक्रव्यूह के जरिए कि सरकार कानून लेकर आए। आप लोग का स्टैंड क्या होगा? इकबाल अंसारी ने कुछ दिन पहले कहा था कि सरकार अध्यादेश लाती है तो वो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए नहीं बात गलत है। देखिए पहले सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए अध्यादेश के जरिए। पहले तो ये अध्यादेश ला ही नहीं सकते, इसके लिए जमीन को एक्वायर करना पड़ेगा और जमीन मंदिर के लिए सरकार दे नहीं सकती। अध्यादेश तो लाएंगे नहीं और हम अध्यादेश का विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला न करे न वो मंदिर बने न मस्जिद बने, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। भाजपा सिर्फ एक भयभीत कर रही, देश का माहौल खराब करने की एक साजिश की जा रही। सबको मालूम है कि वहां मंदिर नहीं बनाएंगे, सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह करके अगर कल को अध्यादेश आता है तो आप लोग क्या करेंगे? नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। देखिए सरकार अगर अध्यादेश ला देती है तो अध्यादेश आएगा ही नहीं, इसीलिए तो हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए तो लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है। हम विरोध करेंगे। इन्होंने पहले कितने फैसले हैं जब इनके इसमें गए थे, अध्यादेश लाया ही नहीं जा सकता। इट इज ए जस्ट लैंड डिस्प्यूट, आप लोगों को समझ लेते हैं। हम लोगों को लैंड डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट गो एंड सी इन सुप्रीम कोर्ट। डोंट शाउट, नहीं लाया जा सकता, गो एंड सी ना, डोंट शाउट। लैंड डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, गूगल पे जाकर राम मंदिर लैंड डिस्प्यूट है, कोर्ट में भगवान राम की जन्मभूमि, पूरा राज जाते जाते आप लोग लड़िए और सियासतदान इसी का फायदा उठाते हैं और अपनी सियासत चमकाते हैं। ये बात शायद आप लोग को नहीं समझ में आती क्योंकि तब तक ये मसला अब तक सुलझ चुका होता। ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय इंदिरा आईवी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच हमारे साथ रामलला विराजमान के पुजारी सत्येंद्र दास भी जुड़ गए हैं। जी हाँ, उनसे जान लेते हैं कि राम मंदिर मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक याचिका दायर की गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये याचिका पर विचार कर सकती है समय से पहले, जनवरी से पहले? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे स्पष्ट रूप से जनवरी में कर दिया है और जनवरी के बीच में किसी प्रकार के कोई भी याचिका यदि दायर होती है सब खारिज हो जाएगी। सुनवाई बीच में नहीं होगी, सुनवाई जनवरी से ही होगी। तो सत्येंद्र दास जी को हमने सुना। आचार्य शैलेश जी, आपका मैं रुख करूं, इस देश में एक तरीका है, अगर कोई मसला होता है, कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का एक तरीका है, अदालतें इस मसले को सुलझाती हैं। सरकार से जुड़े लोगों का भी ये कहना है लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आस्था कानून से ऊपर है, कोर्ट से ऊपर है और उसके जरिए आप सारे मसले हल कर देंगे। देखिए कानून को चलाने वाले कौन है? आस्थावान लोग ही हैं, धर्म के जानने वाले ही लोग हैं। तो देश में कानून की कोई जरूरत नहीं कर पा रहे हम, बिल्कुल संविधान पर हम उन पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे? अगर आप लोग राम मंदिर का जो मुद्दा है वह कोर्ट से बाहर अगर सुलझा लेते हैं दोनों पक्ष मिलकर, तो किस तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह लाखों लोगों की भीड़ एक जगह पर इकट्ठा, लाखों लोगों की भीड़, चूंकि भगवान राम के लोग सारे उपासक हैं, वहां नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे? अयोध्या में ही जाएंगे और जो भगवान राम के उपासक है वो रामलला के दर्शन के लिए ही जाएंगे। तो किसी एक तारीख पर जाएंगे, किसी एक तारीख पर सब जुटेंगे, किसी एक तारीख पर ही सब जुटेंगे। फंडामेंटल का सनातन धर्म है, फंडामेंटल राम के शीघ्र अति शीघ्र मंदिर निर्माण का है और उसमें संसद पर एक नया कानून आए और कानून बना बनाकर नया कानून के द्वारा दबाव बनाकर निर्माण शीघ्र अति शीघ्र हो, ऐसी सारे साधु संतों का इच्छा है और यही होना चाहिए, यही होगा। चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, वक्त की थोड़ी सी कमी है, यह चर्चा अभी चलती रहेगी क्योंकि 25 तारीख से जो बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जो संघ का राम मंदिर प्लान है, 25 नवंबर से 18 दिसंबर तक देश भर में ये संघ का प्लान और उसके जरिए जनमत संग्रह तैयार करने की कोशिश और दबाव बनाने की कोशिश की सरकार कानून लेकर आए।
तमाम अपडेट्स हम आपको फिलहाल देते रहेंगे, लेकिन आगे रुक करते हमारी क्या कुछ खास पेशकश है, इसके लिए सीधे हमारे सहयोगी आंचल के पास। शुक्रिया राकेश और मिशा, आपका आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। खास खबर की प्रस्तुत करता है।